Good afternoon, friends. Today I have brought a different topic. It was the demand of my student, one of my students. And friends, the topic is My Mother at 66. As you all know that it is the poem of Kamala Das. Kamala Das was an Indian poetess. She, when we talk about her biography, she was born on 1934 and died on 2009. Here you have given about Kamala Das. It is her life span. She was born in Punnayurkulam. Punnayurkulam. Spelling of Punnayurkulam. Punnayurkulam. She was born in Punnayurkulam in Malabar district. Where? Malabar district in Kerala. Kerala में इनका जन्म हुआ था. Punnayurkulam एक जगह का नाम है जो कि मालाबार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. एंड फ्रेंड्स, हेयर वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट मालाबार. फ्रेंड्स, वी हैव ऑफन सीन दैट वी हैव ऑफन आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम मालाबार व्हेन वी टॉक अबाउट जीके. इन जीके वी हैव आस्क्ड दैट वेयर इज मालाबार कोस्ट सिचुएटेड. मालाबार कोस्ट, मालाबार तट कहाँ स्थित है. सो फ्रेंड्स, वी नो दैट मालाबार कोस्ट इज सिचुएटेड इन केरला. तो फ्रेंड्स, ये मेरे एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि ये जो हमारी क्लास ट्वेल्थ की जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें जो ये पोम दी गई हमें, तो पहली पोम है यहाँ पे माय मदर एट 66. ये मैं अपने उन प्यारे बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ. तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया एक शेयर अपनी तरफ से कर दीजिएगा. अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपना कमेंट यहाँ पे छोड़ सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त यहाँ पे इनके बारे में और बात करें तो इनका जो पेन नेम है, पेन नेम आपको दिया गया है यहाँ पे. अबाउट द पोएट वी हैव गिवन हियर, पोएट के बारे में दिया है. पोएट कौन है? कमला दास हैं. कमला दास, ये हमें यहाँ दिया गया कमला दास. कमला दास का जन्म हमने बताया, इसके बारे में बात कर ली. मालाबार केरला में इनका जन्म हो रखा है. सी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स. इनकी मानी जाती है, इनको ख्याति प्राप्त है किसके रूप में? वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स, जो इंडिया के जो सुप्रसिद्ध जो पोएट्स हैं, जो कवि हैं, उनमें इनका नाम शुमार है. तो इसके अतिरिक्त इनको जब बात करें कमला दास के बारे में तो इनका पेन नेम यहाँ पे हमें यहाँ पे भी दिया गया है नीचे इसी में. तो इससे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. पेन नेम क्या होता है? पेन नेम को स्यूडोनिम बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्यूडोनिम. स्यूडोनिम, स्यूडोनिम, इसी को स्यूडोनिम कोई. इसका सिनोनिम क्या होता है? पेन नेम. पेन नेम यानी कि ये लिखने के लिए जो भी इनकी राइटिंग्स हैं उनके लिए यूज़ करती थी. तो इनमें इनका स्यूडोनिम जो है माधवी कुट्टी है, एमी है, AMY, और कमला दास तो है ही, और कमला सुरैया भी है. तो इसके बारे में हम नीचे बात करेंगे. यहाँ पे हमें दिया गया है इसके बारे में. तो हर वर्क्स आर नॉन फॉर दी ओरिजिनलिटी. इनके जो वर्क्स हैं वो जाने जाते हैं इनकी ओरिजिनलिटी के लिए, मौलिकता के लिए. यानी कि रियल इंसिडेंट्स पे ये लिखती थी. वर्सटिलिटी यानी कि बोल सकते हैं चेंजेबिलिटी, विविधता थी इनकी उसमें, इनकी पोइट्री में, इनके
लेख में जो भी ये लिखती थी इनकी राइटिंग्स में, एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और जो इंडिजिनस फ्लेवर था कह रहे हैं ऑफ द सॉइल, यानी कि अपनी मातृभूमि से इनका लगाव, उस इनके जो भी राइटिंग्स थी उनमें झलकता था, कहने का मतलब है। कमला दास हैज़ पब्लिश मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवीकुट्टी। अब जो कमला दास हैं उन्होंने हैज़ पब्लिश, उन्होंने प्रकाशित कर रखी हैं अपने कई नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज। नॉवेल क्या होते हैं? उपन्यास। और शॉर्ट स्टोरीज जो लघु कथाएँ हम बोल सकते हैं, वो इन्होंने इंग्लिश में एंड मलयालम, और मलयालम में भी इन्होंने प्रकाशित की हैं अंडर द नेम, किस नेम से? माधवीकुट्टी। माधवीकुट्टी जो पेन नेम है इनका, जो सीडोनेम अभी हमने बात की, सीडोनेम इनका माधवीकुट्टी हो गया, एमयू हो गया, कमला सुरैया हो गया, तो कमला सुरैया बेगम करके, तो ये जो यूज़ करती थी इनमें जो माधवीकुट्टी है, इस नेम से जब भी ये पेन नेम से अधिकतर इनके मलयालम में ये वर्क पब्लिश किया करती थी, और इंग्लिश में तो कमला दास के उससे ही किया करती थी, तो माधवीकुट्टी इनका पेन नेम है, पेन नेम यूज करती थी अपनी राइटिंग्स के लिए। यही नहीं, अधिकतर राइटर्स हैं जो अपना पेन नेम भी यूज करते हैं, अपने जो अपना रियल नेम है उसको हाइड करके अपने पेन नेम से वो करते हैं। पेन नेम निक नेम भी बोल सकते हैं हम इसको, एलियास भी बोलते हैं। एक और वर्ड है, आप इसके सिनोनिम्स में अगर देखेंगे तो एलियास, स्यूडोनिम, पेन नेम ये यूज करते हैं राइटर्स जो भी हैं, राइटर्स, पोएट, नोवेलिस्ट जो भी हम कहें। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल, जो इनके जो वर्क्स हैं, सम ऑफ हर वर्क्स, जो इनके वर्क्स थे उनमें से कुछ वर्क्स जो के हैं इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो सम्मिलित हैं उनमें क्या है? द नोवेल, नोवेल इनका क्या है? अल्फ़ाबेट, ये है इनका अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में ये पब्लिश वर्क है। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हेरल्ड, एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज की जो क्या है? पद्मावती द हेरल्ड एंड अदर स्टोरीज, कब पब्लिश हुई की? 1992 में। इसके अतिरिक्त यहाँ पे और भी चीज़ें हमें दी गई हैं, इन एडिशन टू 5 books of poetry, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त क्या है? 5 books of poetry। अब जो इनकी पोइट्री में जो पहली बुक है वो है, बोल सकते हैं जो कलेक्शन है, जो एक संग्रह है जिसमें बहुत सारी पोम्स इनकी हैं, समर इन कैलकटा, समर इन कैलकटा, ये जो कि कोलकाता, अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है कैलकटा, ये 1965 में आया था, इनका पोएट्री कलेक्शन है, तो ये इनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन था। इसके अलावा यहाँ पे हमें दिया है, सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल एडियम। अब ये क्या करती थी? ये एक सेंसिटिव राइटर थी। सेंसिटिव मीन्स जो क्या करती हैं? इमोशनल, यानी कि इमोशन, सेंस, सेंस का मतलब आप जानते हैं, सेंस ऑर्गन से मतलब है एक भावुक, यानी कि अपने भावों को क्या करती थी, कहने का मतलब व्यक्त करती थी, एक सेंसिटिव राइटर थी, भावुक बोल सकते हैं, एक लेखक हु कैप्चर्स, कैप्चर करना किसी चीज़ को, क्या करना? टेक कर लेना, कैच कर लेना। तो द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, सटल्टीज मीन्स, सटल मीन्स होता है सूक्ष्मता, जो सटल्टीज थी यानी कि उनको क्या कर लेती थी, ये कैप्चर कर लेती थी, जो सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जो मनुष्य के जो भी संबंध हैं उनकी जो कॉम्प्लेक्स सटल्टीज हैं उनको क्या करने का काम करती थी, ये स्ट्रेंजनेस बोल सकते हैं, विविधताएँ हैं जो उनको कैप्चर कर लेती थी, इन लिरिकल एडियम, एक लिरिकल, लिरिकल मीन्स एक गेय के रूप में, एडियम मीन्स, एडियम मीन्स आप सभी को पता है क्या मुहावरे होते हैं, बट यहाँ पे एडियम का मतलब है भाषा में, एक लिरिकल, एक गेय भाषा में, एक बोल सकते हैं एक लयबद्ध, एक जैसे कविता के माध्यम से या अपनी कहानियों के माध्यम से उसको व्यक्त करती थी। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। अब जो माई मदर एट 66 है वो भी इसी का एक उदाहरण है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमें दिया गया है, बिफोर यू रीड देखा है जब हम पढ़ें, उससे पहले हमें क्या करना है, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। अब एजिंग क्या है? एजिंग जो है उम्र का बढ़ना, यानी कि उम्र का बढ़ना क्या है, एक क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, देखो इसमें पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन टाइप का है यहाँ पे, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने इस पर विचार किया है, हैव यू एवर थॉट। देखिए
स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा मेथड दिया गया है, हैव यू एवर थॉट, यानी कि हमें पता है हैजेब जो है, हैजेब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, तो हैव यू एवर थॉट, हैव यू एवर बीन, हैव यू एवर गॉन, हैव यू एवर रेड, यानी कि हैव यू एवर रेड कभी आपने पढ़ा है, हैव यू एवर बीन कभी आप हो आए हैं, या हैव यू एवर थॉट कि आपने कभी सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, जो हमारे एल्डरली जो हमारे बुजुर्ग जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, हमारे माता पिता हैं, वो क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं हमसे, फ्रॉम अस, हमसे, ठीक है, एक्सपेक्ट करना, आशा करना। देखो यहाँ पे तीन वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, मैं अपनी जो है क्लासेस में अक्सर इन वर्ड्स के बारे में बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ये जो है होमोफोन बोल सकते हैं, ताकि इनमें कन्फ्यूजन ना हो, एक्सेप्ट। देखो एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, एक्सपेक्ट मीन्स होता है आशा करना, उम्मीद करना, और एक्सेप्ट मीन्स होता है के बजाय या को छोड़ के कहने का मतलब है कि अतिरिक्त। तो ये देखो इनकी क्या है, जो फोन है जो साउंड है वो एक जैसी आ रही है, इसलिए होमोफोन बोलते हैं, होमो मीन्स एक जैसी, फोन मीन्स साउंड, जिनकी साउंड एक जैसी होती है उन्हें क्या बोलते हैं, होमोफोन बोलते हैं। तो एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट एक्सपेक्ट आशा करना, एक्सेप्ट के बजाय। तो यहाँ पे क्या आशा करते हैं आपके पेरेंट्स, यानी कि व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे हम बताते हैं, देखो इस पोम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, किस बारे में है। दिस पोम टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पोएट एंड हर मदर। अब जो ये पोम है ये किसके बारे में बात करती है, जो रिलेशनशिप है पोएट और उनकी माताजी का, उसके बारे में ये हमें बताती है। अब यहाँ पे पोएट क्या करना चाहती है, देखो पोएट वांट्स टू टेल अस, हमें बताना चाहती है दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ फियर ऑफ लूजिंग और सेपरेटिंग हिज और हर मदर, अदरवाइज हिज और हर रिलेटिव, जो क्या बोलते हैं, प्रत्येक बच्चे को क्या होता है, फियर होता है क्या करने का, खोने का या अलग होने का, अपने हमने बोला था हिज और हर मदर और हिज और हर रिलेटिव्स, अपने जो सगे संबंधी होते हैं या अपनी जो माता है हिज और हर मदर, उसके खोने का डर रहता है, फियर रहता है। क्या कहा हमने, द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस दी टेल अस दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ फियर, एवरी चाइल्ड हैज़ अ फियर ऑफ लूजिंग और सेपरेटिंग हिज और हर मदर ऑब्लिक वी कैन से रिलेटिव, या हम कह सकते हैं अपने रिश्तेदारों को खोने का डर रहता है, सिंस दी वेरी अर्ली एज, यानी कि शुरुआती दिनों से ही, जन्म से ही बोल सकते हैं, चाइल्डहुड से ही, एंड नो मैटर हाउ ओल्ड दे ग्रो, और ये कोई मायने नहीं रखता है कि कितने वो क्या होते जा रहे हैं, उम्र में बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो डर रहता है वो ऑलवेज परसिस्टेंट, यानी कि सेम रहता है डर, उनका खोने का डर जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो इसके बारे में ये बताई गई है, पोएट जो है उसकी उनकी माताजी जो हैं बूढ़ी हो जाती हैं, तो उनको डर रहता है उनके उनसे अलग होने का, उनके खोने का, उनको खोने का। इसके अलावा बता सकते हैं यहाँ पे, अब जो ये हमें यहाँ पे लास्ट लाइन दे रखी थी कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं बोल सकते हैं, और एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट लव अफेक्शन एंड केयर फ्रॉम अस, ये चीज़ें तो हमसे आशा करेंगे, उम्मीद कर सकते हैं, क्या क्या, प्यार स्नेह और केयर, यानी कि देखभाल, अब बुढ़ापे में देखभाल की बहुत आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये चीज़ें वो एक्सपेक्ट करेंगे हमसे। इसमें और क्या बताया गया, देखो इस पोम में, इन दिस पोम माय मदर एट 66, जो हमारी ये टाइटल है यहाँ पे, द पोएटेस टॉक्स अबाउट हम मदर, अपनी माताजी के बारे में बात करती हैं, जो कि हम नीचे अभी पढ़ेंगे। दिस पोम इज बेस्ड ऑन मदर डॉटर रिलेशन, अब मदर और डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में ये पोम हमें बताती है, एंड द पोएटेस शेयर्स हर फीलिंग्स फॉर हर मदर। अब जो पोएटेस की जो कवियत्री है बोल सकते हैं यहाँ पे, जो कमला दास, वो शेयर करती हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को फॉर हर मदर, जो उनकी माता के प्रति उनकी अपनी फीलिंग्स हैं, उनको यहाँ पे वो बताने का प्रयास करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम।
इस पोइम को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पहली लाइन है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, इससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें और हम डिस्कस करना चाहेंगे। जो कमला दास थी इनके बारे में हमने थोड़ा तो आपको बताया, लेकिन इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो किस नाम से थी उसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। माई स्टोरी करके इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो अपने बारे में इन्होंने लिखा था। कितने साल की थी तब? 42। इनकी एज कितनी थी? 42 थी तब इन्होंने माई स्टोरी करके लिखा था। इसका जो मलयालम में जो इन्होंने लिखा था वो एंते कथा करके लिखा था, एंते कथा। ये पॉइंट्स आप कुछ रिमेंबर कर सकते हैं, एंते कथा करके इन्होंने मलयालम में लिखा था। इसके बाद इसी को इन्होंने माय स्टोरी करके ये लिखा। इन्होंने कब लिखा था? 1975 में। कब लिखा था? 1975 में। यानी कि जो मलयालम में था इसको एंते कथा कहा जाता था। और इसके बाद ये सबसे मज़ेदार फैक्ट्स यहाँ पे ये है, इट वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड 14 अदर लैंग्वेज। इंग्लिश के अलावा 14 अन्य भाषाओं में भी इसको ट्रांसलेट किया गया। तो वो है ना मज़ेदार। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। तो इनको क्या था, लेडी ऑफ सायरन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेडी ऑफ सायरन। कमला दास को लेडी ऑफ सायरन, लेडी ऑफ सायरन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा जो होगा यहाँ पे, ये पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप नोट्स बना सकें। इनको दी मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री, मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। क्या कहा जाता है इनको? मदर, मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री इनको कहा जाता है। ठीक, लेडी ऑफ सायरन बताया, मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री हो गया। इसके अलावा इसके अतिरिक्त कुछ और पॉइंट्स इनको बता देते हैं। जैसे इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, जो केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनको, तो वो किसके लिए मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनको कलेक्टेड पोम्स के लिए। किसके लिए मिला था? कलेक्टेड पोम्स, इनका एक संग्रह था वो कलेक्टेड पोम्स के लिए मिला था। 1983 में ये रिटर्न हुआ था और 1984 में पब्लिश्ड हुआ था। ये कलेक्टेड पोम्स ये जो है यानी कि कलेक्शन है पोम्स का, और इसके लिए इनको केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1985। केंद्रीय इसलिए बोल रहा हूँ, साहित्य अकेडमी अवार्ड बोल सकते हैं इसको, 1985 में मिला था, 1985 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। और जो केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड था, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये 1968 में मिला था, 1968 में इनको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, और 1985 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था कलेक्टेड पोएम्स के लिए, जो कब रिटर्न हुई थी? 1983 में, और 84 में पब्लिश हो रखी थी। तो इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं पोएम्स को लाइन बाय लाइन। अब इसमें हमें देखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, यहाँ पे हमें कॉमा दिया हुआ है। तो इसके बाद आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड हर फेस एस एन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब यहाँ पे हमें जो है पूरी फॉर्म ऐसा प्रतीत हो रहा है, एक सेंटेंस फॉर्म में दे रखी है, जैसा कि हमें दिया भी है इस बुक में, सेंटेंस फॉर्म में दे रखी है। तो ये क्या कर रहा है, पहली चीज़ तो इसके बारे में बता देता हूँ, सेंटेंस फॉर्म में दे रखी है तो ये क्या कर रहा है, देखो इसमें हमें कोई फुल स्टॉप नहीं दिया है यहाँ पे। तो ये क्या कर रही है, रन ऑन लाइन्स कर रही है, रन ऑन लाइन्स, यानी कि ये क्या कर रही है, रन कर रही है किसमें, लाइन्स में,
एक लाइन से दूसरी लाइन में दौड़ रही है, यानी कि स्टेंजा में भी रन कर रही है। आप देखना लास्ट तक, इसमें लास्ट में ही आपको फुल स्टॉप दिया होगा, एक सेंटेंस फॉर्म में है। तो पहला मेन पॉइंट हो गया, इट इज़ इन सेंटेंस फॉर्म। सेकंड, रन ऑन लाइंस मीन्स इंजेबमेंट, क्या बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में, एक वर्ड में बोलें तो इंजेबमेंट, ENJAMBMENT, इंजेबमेंट बोलते हैं। रन ऑन लाइन्स, जब कोई भी चीज़ क्या करती है, एक लाइन से दूसरे लाइन में रन करती है, एक स्टेंजे से दूसरे स्टेंजे में रन करती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम बोलेंगे उसे क्या, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन में रन करती है तो इंजेबमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंजेबमेंट बोलेंगे उसे। अब ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग, जब क्या कर रही थी, ड्राइव कर रही थी। ड्राइव करना मीन्स, देखिए हमें पता है ड्राइव यानी कि कार से जा रही थी, गाड़ी से जा रही थी, तो अपनी मान लेते हैं कि अपनी कार से वो जब जा रही थी, फ्रॉम कह रही है माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के होम से कहाँ जा रही थी, कोचिंग, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जब लास्ट फ्राइडे यानी कि जो पिछले जो शुक्रवार की सुबह को मॉर्निंग में जब वो जा रही थी अपनी पेरेंट्स होम से, कहाँ जा रही थी, कोचिंग जा रही थी। कोचिंग, तो कोचिंग कहाँ पे जा रही थी, एयरपोर्ट पे जा रही थी। ये देखो हमें यहाँ पे एयरप्लेन एयरप्लेन दिखाया गया है, तो कहाँ पे जा रही थी, एयरपोर्ट जा रही थी, कोचिंग एयरपोर्ट, कोचिंग एयरपोर्ट पे जा रही थी। तो क्या हुआ, देखो, आई सॉ माई मदर, मैंने देखा अपनी माँ को, ठीक है, बिसाइड मी, बिसाइड मी अपने पास में, बिसाइड और बिसाइड्स में कन्फ्यूजन नहीं करना है। बिसाइड्स, देखो, बिसाइड मीन्स होता है कि पास, और बिसाइड्स मीन्स होता है कि अतिरिक्त, ऐसा लग जाएगा तो कि अतिरिक्त हो जाएगा। ये बिसाइड मी है, नेक्स्ट टू मी, मेरे पास में, ठीक है। तो माता जी कहाँ थी उनकी, उनके पास में, उन्होंने देखी। डोज, डोज मीन्स होता है, आपने देखा होगा, स्लम्बर, स्लम्बर बोलते हैं नैप को, हल्की सी झपकी, नींद की। स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील करके नाइन्थ में ये पोम है, आपने पढ़ी होगी। ओपन माउथेड, मुँह क्या था, खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक, और उनके फेस कैसा था, एसन, एस एस क्या होती है, राख, यानी कि वर्क, एस एस क्या होता है, कलर कैसा होता है, पेल बोल सकते हैं। एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, किसकी तरह, कॉप्स की तरह। अब देखो यहाँ पे हमें लाइक वर्ड दे रखा है, एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, यानी कि किसके साथ कंपेयर कर रखा है, कॉप्स मीन्स और डेड बॉडी, एक लाश या शव के रूप में। देखो उन्होंने देखा अपनी माता जी को कैसे, यानी कि हल्की सी झपकी ले रही थी, नींद उनको आई हुई थी, तो उनका मुंह खुला हुआ था, उनका फेस कैसा हुआ था, एसन लाइक मीन्स यानी कि बिल्कुल एकदम क्या, पीला पड़ा, यानी कि राख की तरह हम बोल सकते हैं। एसन लाइक उनका फेस था, वेरी पेल बोल सकते हैं, बहुत पीला। दैट ऑफ अ कॉप्स, लाइक बोल सकते हैं, कॉप्स, कॉप्स मीन्स और डेड बॉडी, एक लाश के समान, एक शव के समान। वहाँ पे सोई हुई थी, यानी कि नींद आई हुई थी उनको, ठीक। लाइक वर्ड यहाँ पे दे रखा है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस हो जाएगा, लिटरेरी डिवाइस हो जाएगा सिमली, कौन सा हो जाएगा, सिमली। अभी आपको अगर सिमली और मेटाफर के बारे में जानना है, तो इनके मेटाफर के पार्ट्स के बारे में भी मैंने वहाँ पे जिक्र कर रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। तो सिमली क्या होता है, एक कंपेरिजन होता है, बट ह्यूमन का ह्यूमन से कंपेरिजन ना होके एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपेरिजन होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखा है एस का किसके साथ कंपैरिजन कर रखा है, कॉप्स के साथ, एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ठीक। सिमली यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा अलंकार है, सिमली, उपमा। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और रियलाइज्ड विद पेन मीन्स वॉज सैड, यानी कि बहुत क्या थी, वो दुखी थी जब उन्होंने अपनी माँ को देखा अपने पास में, यानी कि डोज, यानी कि जब हल्की सी नैप ले रही थी वो, उनका मुंह बिल्कुल खुला हुआ था, फेस कैसा था, बिल्कुल एकदम पीला दिखाई दे रहा था, और किस तरह दिखाई दे रहा था, बिल्कुल एक कैसे वो बोल सकते हैं नींद ले रही थी, जैसे कि एक क्या होती है, एक कॉप्स के समान, एक लाश के समान बिल्कुल दिख रही थी, बेजान सी बोल सकते हैं। दैट सी, अब अगली जो लाइन है हमें, दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि अब वो इतनी बूढ़ी लग रही थी, एज ओल्ड एज, ये मैंने, ये भी जो हमारा स्ट्रक्चर है एज ओल्ड एज का, ये भी मैंने डिस्कस कर रखा है, इसको एक सेपरेट अलग से इसकी वीडियो बना रखी, तो आप देख सकते हैं। एज ओल्ड एज का मतलब है इतनी बूढ़ी जितनी, एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि जितनी कि वो लग रही थी, कहने का मतलब है लगी, यानी कि देखने के में। बट सून पुट दैट थाट अवे, लेकिन जल्दी इस विचार को उसने क्या किया, साइड रखा, दूर रखा। पुट दैट थाट अवे एंड लुक्ड आउट ऑफ यंग, एंड लुकड आउट, और क्या किया उसके बाद, लुकड आउट,
गाड़ी में जा रही थी, वो कार से जा रही थी, तो उसने बाहर की ओर झांका, देखा। अब क्या करते हुए देखा? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट करना यानी कि रन करना। जो यंग ट्रीज हैं वो क्या कर रही थी? स्प्रिंट कर रही थी, रन कर रही थी, भाग रही थी। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कार में, जब पहली बार का, जब मैं अपना भी अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जब पहली बार गया था तो ऐसा लग रहा था जब बस से जा रहा था तो जैसे कि पेड़ भी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ऐसा ही उनको भी लग रहा था। ऐसा होता नहीं है लेकिन लगता है जैसे कि ट्रीज भी क्या कर रही हूँ, उनके साथ साथ रन कर रही हूँ। दी मैरी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स ये मैरी क्रिसमस होता है, मैरी मीन्स हैप्पी से मतलब है। दो मैरी होते हैं यहाँ पे, अभी मैंने होमोफोन की बात की, MERRY। मैरी मीन्स प्रसन्न से मतलब है, ये मैरी है शादी, ठीक है। तो सेकंड वाला मैरी है प्रसन्न। जो बच्चे क्या थे, स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से, स्पिल आउट का मतलब होता है बाहर आ रहे थे। स्पिलिंग आउट यानी कि कमिंग आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से, जो प्रसन्न मुद्रा में जो बच्चे जो दिखाई दे रहे थे, अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, वो क्या कर रहे थे यानी कि खेल कूद रहे थे, कहने का मतलब है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, अब जो एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी चेक है उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटी चेक मीन्स जहाँ पे उनकी एयरपोर्ट में सिक्योरिटीज ने जहाँ पे उनकी जांच की, उनके सामान की, उसके बाद क्या होता है, देखिए, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूर, स्टैंड करना यानी कि खड़े होना, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर खड़ी, देखा उन्होंने। आई लुक्ड अगेन एट हर, किसकी ओर देखा, पोएट ने देखा अपनी माता जी की ओर देखा, ठीक है। लुक्ड अगेन एट हर, उनकी तरफ। वैन पेल, वैन का मतलब क्या होता है, कलरलेस, बिल्कुल एकदम बेरंग, और पेल मीन्स पीलावन। अपनी माता जी को देखा उन्होंने, बिल्कुल कलरलेस दिख रही थी वो, यानी कि कोई एनर्जी उनमें नहीं दिखाई दे रही थी, बिल्कुल बोल सकते हैं, और पीली दिखाई दे रही थी। पीली में जैसे कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंसान जब थक जाता है या एनर्जी नहीं होती है शरीर में, तो उसके बाद दिखाई देता है, तो बहुत ही वीक दिखाई देती थी, कहने का मतलब है कमज़ोर सी। एज अ लेट विंटर्स मून, एंड एज अ लेट विंटर्स मून, इतना काफ़ी है, अभी फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं, किसकी तरह, एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पे भी कंपेयर कर रखा है। देखो पोइटस ने अपनी माता जी को किसके साथ कंपेयर कर दिया, लेट विंटर्स मून के साथ। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा इससे पहले के पेपर्स में भी, एग्जाम्स में भी आया है, बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जिसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे, उनको भी वर्ड टू वर्ड या सेंट पूरा आपको डिफाइन कर दिया जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाई डिड पोएट कंपेयर हर मदर टू अ लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर क्यों किया? तो हम बोल सकते हैं, द पोएटेस कंपेयर्ड हर मदर टू अ लेट विंटर्स मून बिकॉज सी वॉज लुकिंग वैन एंड पेल, कैसे दिख रही थी, एकदम कमजोर लग रही थी, शी वॉज लुकिंग सो वीक यानी कि वेरी वीक, तो इस वजह से उन्होंने कंपेयर कर रखा था। देर वॉज बोल सकते हैं, अब यहाँ पे जब हम बोलें विंटर्स मून का, देखो विंटर्स मून के बारे में बता देता हूँ, विंटर्स का जो मून होता है, जो सर्दियों का जो, देखिए यहाँ पे विंटर्स मून के साथ क्यों कंपेयर कर रखा है, क्योंकि विंटर का जो मून होता है वो क्या होता है, बिल्कुल एकदम बोल सकते हैं फेड, बिल्कुल एकदम डिम रहता है, हल्का दिखाई देता है, क्योंकि उस टाइम क्या रहता है, को मिस्ट वगैरह रहती है, धुंध वगैरह रहती है, तो धुंध की वजह से थोड़ा सा वो क्लियर नहीं दिखाई देता, तो फीका दिखाई देता है बोल सकते हैं वैसे ही। तो इसलिए अपनी माता जी को कंपेयर कर रखा है, क्योंकि उनकी माता जी के हैं उनमें कोई एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, किसी भी प्रकार की एनर्जी लेस बोल सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही हैं, और बिल्कुल पीलापन उनके चेहरे से साफ झलक रहा है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर विंटर्स मून के साथ कंपेयर कर रखा है। तो आगे कह रहा है, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एग, और अब क्या हो गया उनको, देखो फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एग, यानी कि उन्होंने महसूस किया अपना जो बचपन का जो दर्द था, ओल्ड फेमिलियर एग, जो उनका पुराना अपना जो क्या था, चिर परिचित, फेमिलियर मीन्स जो उनका अपना चिर परिचित, जिसको मतलब पहले ही
महसूस कर चुकी हैं, यानी कि देख चुकी हैं पहले एक बार, तो वो दर्द उन्होंने महसूस किया। माय चाइल्डहुड्स फियर, यानी कि कौन सा फियर कह रही हैं, उनके चाइल्डहुड का जो फियर था उसको उन्होंने महसूस किया। इसके बाद बट ऑल आई सेड, जो भी उन्होंने अब लास्ट में अंत तक क्या करती हैं, जो भी उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने अपने माता जी से, उन्होंने कहा कह रही हैं, तो वो क्या कहा, ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, यानी कि जल्दी मिलने के लिए कहा उन्होंने, जल्दी मिलेंगे करके, जैसे सी यू टुमारो बोलते हैं ना, कल मिलेंगे करके, वैसे ही उन्होंने बोला जल्द मिलेंगे करके अपनी माता जी से। जब क्या किया, सी ऑफ किया करने गई थी उनकी माता जी, यानी कि विदा करने गई थी, तो विदाई के समय जब वो कोचिन एयरपोर्ट से निकल रही थी, तो उन्होंने क्या कहा अपनी माता जी से, सी यू सून अम्मा, अम्मा करके उन्होंने अपनी माता जी को यहाँ पर एड्रेस किया। और इसके बाद क्या कर रखा, ऑल आई डिड वॉज, जो भी उन्होंने उसके बाद किया, कहने का मतलब है क्या किया उन्होंने, ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी कि वो सिर्फ मुस्कुराई, मुस्कुरा के उन्होंने विदा लिया अपनी माता जी से। तो यहीं पे हमारी ये जो पोम है ये समाप्त होती है। तो मेरी आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक भी। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है इस पोम से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड इस पोम की, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, तो जिससे कि मैं क्या होगा मुझे पता चल जाएगा और मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।